दोस्तों आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द डेविल्स फुट हिंदी में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। शर्लक होम्स के साथ अपनी लंबी और घनिष्ठ दोस्ती के दौरान कई बार मुझे कुछ रोचक केसों और दिलचस्प यादों का रिकॉर्ड रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इसका कारण है प्रचार के प्रति, पब्लिसिटी के प्रति होम्स की नफरत। वो हमेशा ही लोकप्रियता, तालियों और तारीफों से नफरत करता रहा है और अपने हर सफल केस के अंत में उसको सुलझाने का सारा क्रेडिट किसी न किसी ऑफिसर को सौंप देता है। सच कहूं तो उसके इसी रवैये के कारण ही मैंने उसके केसों के ब्यौरे जनता के सामने रखने शुरू किए थे। कुछ केसों में मेरे खुद के शामिल होने के कारण मैं उनको और भी बेहतर तरीके से पेश कर पाता था, लेकिन अगर होम्स का बस चलता तो वो मुझे ये सब कभी नहीं करने देता। और इसीलिए ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि मुझे पिछले मंगलवार को होम्स का एक टेलीग्राम मिला था जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे वॉटसन, तुम लोगों को कॉर्निश हॉरर के बारे में क्यों नहीं बताते, क्योंकि ये वो सबसे अजीब केस है जो आज तक मैंने सॉल्व किया है। मुझे नहीं पता कि किस बात ने उसके दिमाग में इस घटना को ताज़ा कर दिया था या किस सनक के कारण उसके मन में ये इच्छा पैदा हुई थी कि मैं इस केस को पब्लिश करूं। इसीलिए मैं उसका एक और इस बात को रद्द करने वाला तार आने से पहले ही फटाफट केस के सारे नोट्स ढूंढकर अपने पाठकों के सामने वो कहानी पेश कर रहा हूँ। ये साल 1897 के वसंत की बात है। लगातार कड़ी मेहनत करने और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान न रखने के कारण होम्स का स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगा था। मार्च का महीना आते आते उसका इलाज कर रहे हार्ले स्ट्रीट के डॉक्टर मूर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर वो पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार नहीं होना चाहता तो उसे कई दिनों तक काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आराम करना होगा। अपनी हेल्थ के बारे में उसे कभी भी ना तो कोई चिंता रही थी और ना ही उसे उसमें कोई दिलचस्पी थी। ये दुनिया की वो आखिरी बात थी जिसमें उसे जरा भी इंटरेस्ट था। वो ना डॉक्टर की बात सुनने को राजी था और ना ही मेरी। लेकिन अंत में जब हम दोनों ने मिलकर उसे ये धमकी दी कि हमारी बात ना मानने की सूरत में वो जल्दी ही स्थायी रूप से काम करने के अयोग्य हो जाएगा, तब बड़ी ही अनिच्छा से हवा पानी बदलने के लिए वो किसी दूसरी जगह जाने को तैयार हुआ। और इस तरह उस साल के शुरुआती वसंत में हम कॉर्निश आइलैंड के आखिरी छोर पर पोल्धू खाड़ी के पास एक छोटे से कॉटेज में रहने पहुंच गए। ये एक बड़ा ही अलग और अजीब तरह का स्थान था और मेरे रोगी के लिए खास तौर पर उपयुक्त था। घास के मैदान पर ऊंचे खड़े हमारे छोटे से सफेदी वाले घर की खिड़कियों से हम आधे गोले के आकार के पूरे माउंट्स बे को देख सकते थे, जिसके किनारे पर काली और लहरदार चट्टानें थीं जो नौकाओं और जहाज़ों के लिए मौत के जाल की तरह थीं और जिनसे टकराकर न जाने कितने नाविकों का अंत हो चुका था। बुद्धिमान नाविक इस शैतानी जगह से दूर ही रहा करते थे। जमीन का परिवेश भी समुद्र की ही तरह उदासी भरा था। ये दूर दूर तक फैले विशाल घास के मैदानों का देश था। बीच में कहीं कहीं पर अकेले खड़े चर्च टॉवरों से पता चलता था कि वहां कोई गांव है। भूले बिसरे राष्ट्रों के भयानक माहौल के साथ इस जगह का आकर्षण और रहस्य मेरे दोस्त की अजीबोगरीब कल्पनाओं को आकर्षित करता था और वो अपना ज्यादातर समय लंबी सैर और मैदानों में एकांत मेडिटेशन में बिता रहा था। प्राचीन कॉर्निश भाषा ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया था और मुझे याद है उसने भाषा शास्त्र की किताबों की एक पूरी खेप मंगवा ली थी और उस पर थीसिस करना शुरू कर दिया था कि तभी अचानक मेरे दुख और उसके परम आनंद के लिए हमने खुद को एक ऐसी समस्या में उलझा हुआ पाया जो उन सभी से अधिक गहरी, अधिक मनोरंजक और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय थी, जिनके कारण हम लंदन से भाग कर यहां आए थे। हमारा सादा जीवन और शांति भरा रूटीन बुरी तरह से बाधित हो गए थे और हम घटनाओं की एक ऐसी चेन के बीच में फंस गए थे जिसने न केवल कॉर्नवॉल में बल्कि पूरे इंग्लैंड में कोहराम मचा दिया था। मेरे कई पाठकों को उस केस की बातें जरूर याद होंगी जिसे द कॉर्निश हॉरर कहा गया था, हालांकि इस केस का पूरा विवरण लंदन प्रेस तक कभी पहुंचा ही नहीं। अब 13 साल बाद मैं जनता को उस अजीबोगरीब कहानी का सही विवरण देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, कॉर्नवॉल के इस हिस्से में स्थित गांवों को यहाँ वहाँ बिखरे टॉवर चिन्हित करते थे। इनमें से सबसे नज़दीकी था ट्रेडनिक वॉलास का वो गांव, जहाँ 200 निवासियों के कॉटेज एक प्राचीन कायुगे चर्च के चारों ओर बने हुए थे। चर्च के पादरी थे मिस्टर राउंडहे। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और होम्स से उनकी अच्छी पहचान हो गई थी।
वो एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, थोड़े गोलमटोल और मिलनसार। स्थानीय बातों के बारे में उनको बड़ी नॉलेज थी। उनके बुलावे पर हमने कई बार उनके साथ चाय पी थी और उसी दौरान मिस्टर मॉर्टिमर ट्रेगनिस से भी हमारा परिचय हुआ था, जो पादरी के बड़े से घर में किराए पर कमरे लेकर रहता था। हालांकि वो स्वभाव में उससे एकदम अलग तरह का आदमी था। ये एक पतला काला चश्मे वाला आदमी था, जिसे देखने से ही लगता था कि उसके शरीर में कोई विकृति है। पादरी बड़ी ही बातूनी किस्म का था, लेकिन उसका किराएदार कम बोलने वाला, उदास और अनमनासा रहने वाला आदमी था। मंगलवार 16 मार्च को हमारे नाश्ते के टाइम के तुरंत बाद ये दोनों आदमी हमारे बैठक के कमरे में अचानक दाखिल हुए। उस समय हम अपनी रोज की सैर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। पादरी ने उत्तेजित स्वर में कहा, मिस्टर होम्स, रात को एक बहुत ही असाधारण और दुखद घटना हो गई है। ऐसा आज से पहले यहाँ कभी देखा या सुना नहीं गया। हम इसे केवल एक सुखद संयोग ही कह सकते हैं कि ऐसे समय में आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पूरे इंग्लैंड में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हमें इस वक्त ज़रूरत है। मैंने पादरी की तरफ नाराज़गी से देखा, लेकिन होम्स ने अपने होठों से अपना पाइप लगा लिया और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे किसी जन्मों जन्मों के भूखे के आगे 56 भोग की थाली परोस दी गई हो। मुझे सारी बात बताइए, होम्स ने पादरी से कहा। पादरी ने बताना शुरू किया, सुनिए मिस्टर होम्स, मिस्टर मॉर्टिमर ट्रेगनिस कल शाम को अपने दो भाइयों ओवेन और जॉर्ज और बहन ब्रेंडा से मिलने उनके घर पर गए थे, जो ट्रेडनिक वॉर्था में है। शाम उन्होंने वहीं पर बिताई। 10 बजे के करीब वो अपने घर के लिए निकल गए। जब वो वहां से निकले थे तो उनके दोनों भाई और बहन ब्रेंडा भोजन के कमरे में मेज के चारों तरफ बैठे हुए ताश खेल रहे थे, बड़े ही खुश और उत्साहित। मिस्टर ट्रेगनिस को सुबह जल्दी उठकर घूमने की आदत है। आज सुबह नाश्ते से पहले वो घूमने निकले और रास्ते में उनको डॉक्टर रिचर्ड्स की गाड़ी मिली, जिन्होंने बताया कि उनको अर्जेंट रूप से ट्रेडनिक वॉर्था बुलवाया गया है। तो अब ये स्वाभाविक सी बात थी कि मिस्टर मॉर्टिमर ट्रेगनिस भी उनके साथ गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। मिस्टर ट्रेगनिस के दोनों भाई और उनकी बहन मेज के चारों तरफ ठीक वैसे ही बैठे थे जैसे वो रात को उनको छोड़कर गए थे। ताश के पत्ते उस वक्त भी उनके सामने फैले हुए थे और मोमबत्तियां अंत तक जलकर बुझ चुकी थीं। उनकी बहन की मौत हो चुकी थी और वो पत्थर की मूर्ति की तरह कुर्सी पर अधलेटी हालत में थी, जबकि दोनों भाई उसके दोनों तरफ बैठकर हंसते और चिल्लाते हुए गाने गा रहे थे और पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे थे। मरी हुई महिला और दोनों पागल पुरुषों यानी तीनों लोगों के चेहरे पर आतंक के ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कोई बहुत ही भयानक दृश्य या चीज देखी हो। बूढ़ी कुक और हाउस मैनेजर मिसेस पोर्टर को छोड़कर घर में और कोई नहीं था। उन्होंने मिस्टर ट्रेगनिस को बताया कि वो गहरी नींद सोई थी और रात के दौरान उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और इस बात की कोई व्याख्या नहीं थी कि ऐसी क्या भयानक चीज़ हो सकती थी जिसने एक हंसती खेलती औरत को मौत के घाट उतार दिया और दो हट्टे कट्टे पुरुषों की ऐसी हालत कर दी। संक्षेप में ये सारी सिचुएशन है मिस्टर होम्स, और अगर आप इसे हल करने में हमारी मदद कर सकें तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। मुझे उम्मीद थी कि किसी तरह से मैं अपने दोस्त को वापस उस शांति की तरफ ले जा सकूंगा जो हमारे यहाँ आने का कारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए भावों को देखकर मैं समझ गया कि अब वो उम्मीद करना बेकार था। होम्स कुछ देर चुप बैठा रहा उस अजीबोगरीब नाटक के बारे में सोचते हुए जिसने हमारी शांति को भंग कर दिया था। फिर वो अचानक बोला, मैं इस केस की जाँच करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि दिख रहा है, ये एक बहुत ही असाधारण प्रकृति का केस प्रतीत हो रहा है। क्या आप खुद वहां गए हैं मिस्टर राउंडे? जी नहीं मिस्टर होम्स, मिस्टर ट्रेगनिस ने आकर ये सारी बातें मुझे बताई और मैं तुरंत आपसे सलाह करने के लिए यहां आ गया। अच्छा, ये बताइए मिस्टर राउंडे कि वो घर यहां से कितनी दूर है जहां ये अजीब हादसा हुआ है? जी, करीब 1 मील दूर है। तो फिर हम साथ चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मिस्टर ट्रेगनिस। मिस्टर ट्रेगनिस इस समय चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी चिंतित नजरें होम्स पर ही टिकी हुई थीं और उसके पतले हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उसने कांपते होठों से कहा, आपको जो भी पूछना है पूछिए मिस्टर होम्स, मुझे कल रात की घटनाओं के बारे में पूरे विस्तार से बताइए। मिस्टर ट्रेगनिस ने कहना शुरू किया, जैसा कि मिस्टर राउंडे ने आपको बताया, मैं वहां पर उनसे मिलने गया था। हम सब ने खाना खाया, फिर मेरे बड़े भाई जॉर्ज ने ताश खेलने का प्रस्ताव रखा। करीब 9 बजे हम ताश खेलने बैठ गए।
जब मैं जाने के लिए वहां से निकला तब 10:15 बज रहे थे। मैं उनको मेज के चारों तरफ वैसे ही बैठे छोड़कर घर चला गया। आपको बाहर छोड़ने कौन आया था? होम्स ने सवाल किया। मिसिस पोर्टर सोने जा चुकी थी, इसलिए मैं खुद ही बाहर चला गया था। मैंने अपने पीछे से हॉल का दरवाजा बंद कर दिया था। जिस कमरे में वो सब लोग बैठे थे उसकी खिड़की बंद थी, लेकिन ब्लाइंड्स नहीं गिराए गए थे। आज सुबह भी दरवाजे या खिड़की में कोई बदलाव नहीं हुआ था, यानी ये सोचने का कोई कारण नहीं था कि घर में कोई अजनबी आया होगा। और इसके बावजूद भी वो तीनों वहां बैठे थे, आतंक से पागल हुए। और ब्रेंडा डर से मरी हुई पड़ी थी, उसका सिर कुर्सी की बांह पर लटका हुआ था। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मिस्टर होम्स, मेरे दिमाग से उस कमरे का वो नजारा कभी नहीं हट पाएगा। होम्स ने अगला सवाल किया। ये जो कुछ भी आप बता रहे हैं, ये सारी बातें काफी उल्लेखनीय हैं। वैसे आपको खुद को क्या लगता है कि वहां क्या हुआ होगा? ये जरूर कोई शैतानी ताकत है मिस्टर होम्स, शैतानी ताकत। वो जो भी था इस दुनिया का नहीं था। उस कमरे में जरूर कोई ऐसी चीज आई थी जिसने उनके दिमाग से तर्क की रोशनी को बिल्कुल खत्म कर दिया। भला कोई इंसान ऐसा कहां कर सकता है? उसकी ये बात सुनकर होम्स ने कहा, मुझे डर है कि अगर ये केस इंसानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये निश्चित रूप से मेरे हल करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इस तरह की थ्योरी पर जाने से पहले सारी नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को खत्म कर लेना चाहिए। जहां तक आपका सवाल है मिस्टर ट्रेगनिस, मेरे ख्याल से आप अपने परिवार से अलग रहते थे, क्योंकि वो सब एक साथ रहते थे और आप अलग घर में थे। जी हाँ, ऐसा ही है मिस्टर होम्स। हालांकि वो मसला अब खत्म हो चुका है। असल में बात क्या है कि हम लोग रेडरुथ में लोहे की खदानों में काम करने वाला एक परिवार थे, लेकिन हमने अपना बिजनेस एक कंपनी को बेच दिया। उससे हमें काफ़ी पैसा मिला था, और मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि पैसे के बंटवारे के बारे में हमारे बीच कुछ मतभेद थे। कुछ समय के लिए ये मतभेद हमारे बीच खड़े रहे थे, लेकिन फिर उस मामले को सुलझा दिया गया था और हम सब इसे भुला चुके थे। काफ़ी समय से हम लोग दोस्तों की तरह रह रहे थे। अच्छा, ये बताइए मिस्टर ट्रेगनिस, वो शाम जो आपने एक साथ बिताई थी, उस दौरान कोई भी ऐसी घटना हुई हो, कोई भी छोटी से छोटी बात जो इस ट्रेजेडी पर थोड़ी रोशनी डाल सके, क्या आपके ध्यान में ऐसी कोई बात आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्या वो सब लोग नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। क्या वो लोग घबराए हुए थे? क्या उन्होंने आने वाले खतरे की कोई आशंका आपके सामने जाहिर की थी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब आपके पास बताने के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मेरी मदद कर सके? मॉर्टिमर ट्रेगनिस ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा और फिर बोला, एक बात हुई थी, लेकिन वो इतनी मामूली थी कि उस वक्त मेरा उस पर ध्यान भी नहीं गया था। जब हम टेबल पर बैठे थे तो मेरी पीठ खिड़की की तरफ थी और मेरे भाई जॉर्ज का चेहरा खिड़की के सामने था। वो ताश के खेल में मेरा पार्टनर था। मैंने उसे एक बार अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखते हुए देखा, तो मैंने भी मुड़कर देखा था। खिड़की के ब्लाइंड ऊपर थे और खिड़की बंद थी, और वहां से सिर्फ लॉन की झाड़ियां नजर आ रही थीं। उस वक्त एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ देखा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो आदमी था या जानवर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहां कुछ है। जब मैंने जॉर्ज से पूछा कि वो क्या देख रहा है, तो उसने मुझे बताया कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है कि वहां पर कुछ है। बस इतनी सी ही बात थी। क्या आप दोनों में से किसी ने भी उठकर इस बात की जांच नहीं की? जी नहीं, हम दोनों ने ही सोचा कि शायद हमें वहम हुआ होगा। तो यानी जब तुम वहां से निकले तब तक किसी भी गड़बड़ का अंदेशा तुम में से किसी को भी नहीं हुआ था, ठीक? जी हाँ मिस्टर होम्स, बिल्कुल भी नहीं। और आज सुबह इतनी जल्दी ये खबर तुमको कैसे मिली? मैं जल्दी उठने वाले लोगों में से हूँ मिस्टर होम्स, और आमतौर पर नाश्ते से पहले घूमने के लिए जाता हूँ। आज सुबह मैंने अपनी सैर शुरू ही की थी कि रास्ते में अपनी गाड़ी पर सवार डॉक्टर मुझे मिला। उसने मुझे बताया कि मिसिस पोर्टर ने एक लड़के को जरूरी संदेश के साथ उसके पास भेजा था। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा कि रात ही रात में डॉक्टर की भला ऐसी क्या जरूरत उनको आ पड़ी। मैं भी फुर्ती से उनकी गाड़ी में बैठ गया और हम आगे चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने कमरे में वो भयानक दृश्य देखा। मोमबत्तियां और आग घंटों पहले जलकर बुझ चुके होंगे, और वो अंधेरे में वहां तब तक बैठे रहे जब तक कि सुबह नहीं हो गई। डॉक्टर ने बताया कि ब्रेंडा को मरे कम से कम 6 घंटे हो चुके थे। हिंसा के वहां कोई संकेत नहीं थे। वो अपने चेहरे पर उन डर के भावों के साथ बस कुर्सी पर लेटी हुई थी। जॉर्ज और ओवेन बंदरों की तरह अजीब हरकतें कर रहे थे, गाने गा रहे थे और अनाप शनाप बक रहे थे। ये सब देखना बहुत ही भयानक था। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका।
और डॉक्टर भी डर से बुरी तरह सफेद पड़ गया था। असल में वो तो बेहोशी की हालत में कुर्सी पर गिर ही गया था। हम बड़ी मुश्किल से उसे होश में लेकर आए थे। होम्स उछलकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और अपना हैट उठाते हुए बोला, मुझे लगता है अब बिना किसी देरी के हमें ट्रेडनिक वॉर्था जाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने शायद ही कभी ऐसा कोई केस देखा है जिसने पहली नजर में इससे ज्यादा अजीब समस्या पेश की हो। जल्दी ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सुबह की हमारी कार्यवाही ने जांच को आगे बढ़ाने में हमारी कोई खास मदद नहीं की। जिस जगह पर यह ट्रेजेडी हुई थी उस जगह तक पहुंचने के लिए एक संकरी और घुमावदार गली थी। जब हम उसमें आगे बढ़े तो हमने एक गाड़ी की खड़खड़ाहट को अपनी तरफ आते सुना। उसे रास्ता देने के लिए हम एक तरफ हट गए। जैसे ही वो गाड़ी हमारे सामने से निकली तो हमने एक बड़े ही विकृत मुस्कुराते हुए चेहरे को बंद खिड़की के माध्यम से देखा। मॉर्टिमर ट्रेगनिस जोर से चिल्लाया, वो मेरे भाई हैं, वो उनको हेल्स्टन ले जा रहे हैं। हमने सहमी नजरों से उस काली गाड़ी को रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखा और फिर हमने उस अशुभ घर की तरफ अपने कदम बढ़ाए जिसमें उन लोगों की यह हालत हुई थी। ये एक बड़ा और रोशन मकान था, एक विशाल विला जिसमें एक बड़ा सा बगीचा था। मॉर्टिमर ट्रेगनिस के बताए अनुसार बैठने के कमरे की खिड़की इस बगीचे के ऐन सामने थी और उसी में से वो बुरी ताकत अंदर दाखिल हुई होगी जिसने एक ही पल में तीन अच्छे भले लोगों के दिमागों को भक से उड़ा दिया था। हमारे पोर्च में प्रवेश करने से पहले होम्स अंदर चला गया और धीरे धीरे फूलों के गमलों के बीच से आगे बढ़ने लगा। वो अपने विचारों में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब पानी के बर्तन पर उसके पैर की जोर की ठोकर लगी और उससे बिखरे पानी से हम तीनों के पैर और बगीचे का रास्ता सब गीले हो गए। घर के अंदर हम बुजुर्ग कॉर्निश हाउसकीपर मिसेस पोर्टर से मिले जो एक युवा लड़की की सहायता से परिवार की जरूरतों को पूरा किया करती थी। उसने चुस्ती से होम्स के सारे सवालों के जवाब दिए। उसने रात में कोई आवाजें नहीं सुनी थीं। हाल ही में उसके मालिकों के हाव भाव या व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आए थे और वो पूरी तरह से नॉर्मल और खुश थे। सुबह कमरे में घुसने के बाद मेज के चारों तरफ का वो भयानक दृश्य देखकर वो डर के मारे बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो उसने सुबह की हवा आने देने के लिए खिड़की को खोल दिया था और गली में भाग गई थी जहां से उसने डॉक्टर को बुलाने के लिए एक लड़के को भेजा था। उसने ये भी कहा कि अगर हम उसकी मालकिन की लाश को देखना चाहते हैं तो वो ऊपर के कमरे में थी। भाइयों को पागलखाने की गाड़ी में ले जाने के लिए चार हट्टे कट्टे आदमियों की ज़रूरत पड़ी थी और अब वो एक भी दिन और उस घर में नहीं रहेगी और उसी दोपहर को सेंट इवांस में अपने परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और हमने शव को देखा। मिस ब्रेंडा ट्रेगनिस एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, हालांकि वो अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। उसका काला साफ सुथरा चेहरा मौत के बाद भी सुंदर दिखाई दे रहा था लेकिन उस पर अभी भी डर के भाव मौजूद थे। हम वापस बैठक के कमरे में आए जहां पर यह अजीब घटना हुई थी। रात भर की आग की जली हुई राख फायरप्लेस में पड़ी थी। मेज पर चार जली हुई मोमबत्तियां थीं और ताश के पत्ते बिखरे हुए थे। कुर्सियों को दीवारों के साथ सटाकर रख दिया गया था लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली रात को था। होम्स कमरे में चारों तरफ तेज कदमों से घूमने लगा। वो अलग अलग कुर्सियों पर बैठा, उनको खींचकर उनकी पुरानी पोजीशन में लाया और फिर से उन पर बैठा। उसने परीक्षण किया कि वहां से कितना बगीचा दिखाई दे रहा था। उसने फर्श, छत और चिमनी की भी जांच की लेकिन मैंने एक बार भी उसकी आंखों में वो चमक नहीं देखी जो मुझे ये बताती कि इस घोर अंधेरे में उसे रोशनी की कोई किरण नजर आई थी। बीच में उसने एक बार सवाल किया, कमरे में आग क्यों जल रही थी? क्या वसंत के मौसम में भी इस कमरे में हमेशा आग जलती थी? मॉर्टिमर ट्रेगनिस ने बताया कि रात ठंडी और नम थी, इसी वजह से उसके वहां पहुंचने के बाद फायरप्लेस में आग जलाई गई थी। फिर उसने सवाल किया, अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं मिस्टर होम्स? मेरे दोस्त ने मुस्कुराकर मेरी बांह पर हाथ रख दिया और बोला, अब हम अपने कॉटेज में लौटेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई और नई बात हमारे ध्यान में आने की संभावना है। वहां मैं बैठकर सारे तथ्यों के बारे में सोचूंगा मिस्टर ट्रेगनिस, और अगर मुझे कुछ भी बात पता चली तो मैं निश्चित रूप से आपको और पादरी को बताऊंगा। पॉल्थो कॉटेज वापस आने के बाद भी होम्स ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वो अपनी कुर्सी पर गहरी सोच में डूबा बैठा रहा। तंबाकू के धुएं के नीले भंवर के बीच उसका थका हुआ चेहरा बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी काली भौहें नीचे की ओर खींची हुई थीं और उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। अंत में उसने अपने पाइप से एक जोरदार कश खींचा और उछलकर खड़ा होते हुए बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा वॉटसन। पर्याप्त तथ्यों के बिना
दिमाग पर फालतू जोर डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो हम दोनों चट्टानों पर चलते हैं और चकमक पत्थर के तीरों की तलाश करते हैं। फिलहाल हमें समुद्री हवा, धूप और थोड़े धैर्य की जरूरत है, तभी कुछ समझ में आएगा। चट्टानों के चारों तरफ घूमते हुए उसने कहा, अब यहाँ पर हम शांति से अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो थोड़े से तथ्य हैं, हम उनको अच्छी तरह समझ लेते हैं, ताकि जब नए तथ्य सामने आए तो हम उन्हें उनकी जगह पर फिट करने के लिए तैयार रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम में से कोई भी शैतानी ताकत वाली बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इस बात को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल कर सोचना शुरू करते हैं। तीन लोग ऐसे हैं जो किसी बड़ी ही ताकतवर चीज द्वारा गंभीर रूप से पीड़ित हुए हैं, ये बात एकदम पक्की है। अब ये कब हुआ होगा? अगर मिस्टर मॉर्टिमर ट्रेगनिस की कहानी को सच माने तो उनके कमरे से चले जाने के तुरंत बाद यह हुआ होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुमान है कि ये उनके जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर हुआ होगा। कार्ड अभी भी टेबल पर पड़े थे, यानी ये उनके सोने के सामान्य टाइम से पहले ही हो चुका होगा। उन्होंने अपनी पोजीशनें बदली नहीं थी और ना ही अपनी कुर्सियों को पीछे धकेला था। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि घटना मिस्टर मॉर्टिमर के जाने के तुरंत बाद हुई थी और संभवतः कल रात 11 बजे से पहले हो चुकी थी। अब हमारा अगला स्पष्ट कदम है कमरे से बाहर निकलने के बाद मॉर्टिमर ट्रेगनिस की गतिविधियों की जाँच करना। तुम तो मेरे तरीकों को जानते ही हो वॉटसन, तो निश्चित रूप से समझ ही गए होंगे कि सुबह पानी का वो बर्तन मैंने जानबूझकर गिराया था, जिससे गीले रेतीले रास्ते पर मुझे उसके पैर का एक साफ साफ निशान प्राप्त हो गया। तुम्हें याद होगा कि पिछली रात भी बारिश हुई थी, और एक सैंपल प्रिंट प्राप्त करने के बाद दूसरे प्रिंट्स के बीच उसका ट्रैक चुनना और उसके मूवमेंट्स का पता लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। पैरों के निशानों से ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलकर तेजी से चर्च की दिशा में चला गया था। तो अगर मॉर्टिमर ट्रेगनिस इस सीन से बाहर था और किसी बाहरी आदमी ने ताश खेलने वाले लोगों को प्रभावित किया, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है और उसने इन सबको इतनी बुरी तरह से डराया कैसे? स्पष्ट रूप से मिसेस पोर्टर तो ये काम कर नहीं सकती, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई आदमी बगीचे की खिड़की तक आया और उसने किसी तरीके से इतना भयानक असर पैदा किया कि अच्छे खासे हंसते खेलते लोग उससे पागल हो गए और मर गए। इस दिशा में जो एकमात्र बात हमारे पास है वो है खुद मॉर्टिमर ट्रेगनिस की, जो कहता है कि उसके भाई ने बगीचे में किसी हलचल के बारे में बात की थी। ये बात निश्चित रूप से ध्यान देने लायक है, क्योंकि रात को हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए होने के कारण अंधेरा था। जिस किसी के पास भी इन लोगों को डराने का ये प्लान था, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था वॉटसन कि उसे देखे जाने से पहले ही वो अपना चेहरा खिड़की के कांच के सामने लाकर उनको दिखा पाता। इस खिड़की के बाहर 3 फुट की क्यारियां हैं, लेकिन वहां पैरों के कोई भी निशान नहीं है। तो ये कल्पना करना कठिन है कि एक बाहरी व्यक्ति सारे लोगों के ऊपर इतना भयानक असर आखिर कैसे डाल सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें इतने अजीब काम के लिए कोई संभावित मकसद भी अभी तक समझ में नहीं आया है। इस मामले को सुलझाने के लिए हमें थोड़े और तथ्यों की जरूरत है वॉटसन, और जब तक ज्यादा सटीक डेटा हमें उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक मेरे ख्याल से हमें इस मामले को एक तरफ रख देना चाहिए और अपनी बाकी की सुबह को स्टोन एज के इंसानों की खोज के लिए समर्पित करना चाहिए। इसके बाद होम्स थोड़ी देर चुप रहा और फिर 2 घंटे तक स्टोन एज के लोगों के रहन सहन और उनके हथियारों के बारे में प्रवचन देता रहा, इतने आराम से जैसे उसे पता ही ना हो कि कोई भयानक रहस्य समाधान के लिए उसका इंतजार कर रहा था। दोपहर में जब हम अपनी कॉटेज में लौटे तो एक मेहमान हमारा इंतजार कर रहा था, जिसे हम दोनों ही अच्छी तरह पहचानते थे। उसका हुलिया एकदम अजीब सा था, विशाल शरीर, टेढ़े-मेढ़े चेहरे पर भयंकर सी आंखें, बाज जैसी नाक, घिसे पिटे बाल जो लगभग हमारी कॉटेज की छत को छू रहे थे, 2 रंग की दाढ़ी जो किनारों पर सुनहरी थी और होठों के पास सफेद, जिस पर बहुत ज्यादा सिगार पीने के कारण निकोटीन का एक दाग पड़ा हुआ था। ये थे महान शेरों के शिकारी और खोजकर्ता डॉक्टर लियोन स्टर्नडेल। वो लंदन में भी उतने ही फेमस थे जितने अफ्रीका में। हमने इस जिले में उनकी मौजूदगी के बारे में सुना था और एक दो बार दलदली रास्तों पर उनको घूमते भी देखा था। हालांकि ना ही उन्होंने और ना ही हमने कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये बात सब लोग जानते थे कि उनको एकांत से बड़ा प्यार था, और इसी कारण
अपनी यात्राओं के बीच के अंतराल का बड़ा हिस्सा वो यहाँ के जंगल के बीच एक छोटे से बंगले में बिता रहे थे। अपनी किताबों और अपने नक्शों से घिरे, अपनी साधारण जरूरतों को पूरा करते हुए और अपने पड़ोसियों के मामलों पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए वो एकदम एकांत जीवन जी रहे थे। इसलिए मुझे बड़ी ही हैरानी हुई जब उन्होंने होम्स से उत्सुक स्वर में पूछा कि क्या उसने इस रहस्यमय केस को सुलझाने में कोई प्रगति की है। उन्होंने कहा, देखिए मिस्टर होम्स, काउंटी पुलिस पूरी तरह से गलती पर है, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपके पास इसका कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन हो और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे यहाँ रहने के दौरान ट्रेगनिस परिवार से मेरा अच्छा परिचय हो गया है, यहाँ तक कि मेरी कॉर्निश माँ की तरफ से मैं उनको चचेरे भाई कह सकता हूँ, और उनके साथ हुई इस अजीब घटना से स्वाभाविक रूप से मुझे एक बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि मैं अफ्रीका वापस जा रहा था और रास्ते में प्लायमाउथ तक पहुंच भी गया था, लेकिन आज सुबह ये खबर मेरे पास पहुंची और मैं पूछताछ में मदद करने के लिए सीधे वहां से वापस यहां आ गया। होम्स के माथे पर बल पड़ गए। तो क्या आपने इसके लिए अपना शिप मिस कर दिया? जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगला शिप ले लूंगा। अरे वाह, ये तो वाकई पक्की दोस्ती की एक मिसाल है। मैंने आपको बताया ना मिस्टर होम्स कि वो मेरे रिश्तेदार थे। जी हाँ, लेकिन काफी दूर के, आपकी माँ के चचेरे भाई। ये बताइए डॉक्टर कि क्या आपका सामान जहाज पर लादा जा चुका था? कुछ सामान लादा जा चुका था मिस्टर होम्स, लेकिन काफी सारा अभी होटल में ही है। ओह समझा, लेकिन एक बात तो मैं पक्के तौर पर जानता हूँ कि इस घटना के बारे में प्लायमाउथ के अखबारों में कुछ नहीं छपा है। तो फिर आपको पता कैसे चला? मुझे एक टेलीग्राम मिला था मिस्टर होम्स। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि टेलीग्राम किससे मिला था? डॉक्टर के कठोर चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। आप बहुत ही जिज्ञासु हैं मिस्टर होम्स। ये मेरा बिजनेस है डॉक्टर, डॉक्टर स्टर्नडेल ने अपनी बेचैनी पर काबू पाते हुए कहा। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है, वो मिस्टर राउंड हे थे जिन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजा, जिसके कारण मैं यहाँ वापस आया हूँ। थैंक यू डॉक्टर, होम्स ने कहा। मैं आपके ओरिजिनल सवाल के जवाब में कह सकता हूँ कि मैंने अभी इस मामले पर कोई स्पष्ट थ्योरी नहीं बनाई है, लेकिन जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचने की मुझे पूरी उम्मीद है। अभी इससे ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। शायद आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी मिस्टर होम्स कि क्या आपका शक किसी खास दिशा में इशारा करता है, किसी खास आदमी की तरफ? आपके इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता डॉक्टर। ओह, तब तो मैंने अपना समय बर्बाद किया है और मुझे अपनी यात्रा को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर गुस्से में हमारे कॉटेज से बाहर निकल गए। 5 मिनट के भीतर ही होम्स भी उनके पीछे चला गया। शाम तक वो वापस लौटकर नहीं आया, और जब आया तो धीमे कदमों और सुस्त चेहरे के साथ, जिसे मुझे समझ में आ गया कि उसने अपनी जांच में कोई बड़ी प्रगति नहीं की है। उसने उस तार पर नजर डाली जो उसका इंतजार कर रहा था और फिर पढ़कर उसे मेज पर फेंक दिया। ये प्लायमाउथ होटल से आया है वॉटसन, मैंने इसका नाम पादरी से पूछा था और मैंने ये पक्का करने के लिए उनको तार भेजा था कि डॉक्टर स्टर्नडेल ने जो कहा वो सही है या गलत। उनके जवाब से ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने वाकई पिछली रात वहीं बिताई थी और उसने वाकई अपने कुछ सामान को अफ्रीका भेजा है, जबकि वो खुद इस जांच में उपस्थित होने के लिए वापस यहाँ आया है। इस बात से तुम्हें क्या समझ में आता है वॉटसन? यही कि उसको इस केस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। गहरी दिलचस्पी, सही कहा वॉटसन। ये एक सूत्र है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए थे और जो हमारी उलझन को सुलझा सकता है। तो खुश हो जाओ वॉटसन, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इसका दूसरा सिरा भी जल्दी ही हमारी पकड़ में आ जाएगा और तब ये पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि होम्स के ये शब्द इतनी जल्दी साकार हो जाएंगे, या फिर वो नई बात कितनी अजीब और भयानक होगी जिसने हमारे सामने जांच की एक पूरी तरह से नई लाइन खोल दी। अगले दिन सुबह मैं अपनी खिड़की पर खड़ा शेव कर रहा था जब मैंने खुरों की आवाज़ सुनी। जब मैंने उधर देखा तो सड़क पर एक कुत्ता गाड़ी सरपट दौड़ती हुई नजर आई। वो हमारे ही दरवाजे पर आकर रुकी और हमारा दोस्त पादरी उसमें से उछलकर निकला और हमारे बगीचे के रास्ते पर आता नजर आया। होम्स पहले से ही तैयार था और हम फुर्ती से उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। पादरी इतना हड़बड़ाया हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बड़ी ही मुश्किल से हाँफते कांपते हुए उसने अपनी दुखद कहानी हमें सुनाई। ये जरूर कोई शैतानी ताकत है मिस्टर होम्स, मेरा बेचारा चर्च, मेरा प्यारा गांव, सब पर शैतान की छाया पड़ गई है। शैतान ने सब चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया है, हम सब उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं मिस्टर होम्स। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए। मिस्टर मॉर्टिमर ट्रेगनिस की रात को मौत हो गई, जैसे उनके परिवार के बाकी लोगों के हुई थी ठीक वैसे ही। होम्स बुरी तरह से चौंक पड़ा।
क्या हम दोनों आपकी कुत्ता गाड़ी में फिट हो सकते हैं? जी हाँ मिस्टर होम्स। तो फिर जल्दी कीजिए मिस्टर राउंडे, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि वहां की चीजें कुछ अस्त व्यस्त हो जाएं। कुछ ही मिनटों के बाद हम मॉर्टिमर ट्रेगनिस के कमरे में थे। उसके पास कुल दो कमरे थे, नीचे एक बैठक थी और ऊपर उसका सोने का कमरा। दोनों की खिड़कियां सामने लॉन में खुलती थी। डॉक्टर या पुलिस के आने से पहले ही हम लोग वहां पहुंच गए थे, इसलिए सब कुछ वैसा ही था जैसा मौत के वक्त रहा होगा। कमरे का वातावरण बड़ा ही भयानक और दम घोटू सा था। नौकर ने कमरे में पहले प्रवेश किया था और खिड़की को खोल दिया था, वरना वहां का माहौल और भी असहनीय होता। शायद इसका कारण था कमरे के बीचों बीच जल रहा एक लैंप जिससे धुआं निकल रहा था। उसी के बगल में मरा हुआ ट्रेगनिस बैठा था जो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ सा था। उसका चेहरा भी आतंक से उसी तरह विकृत हो गया था जैसे उसकी मरी हुई बहन का हुआ था। उसके शरीर के अंग ऐंठने शुरू हो गए थे और उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, मानो वो डर की अधिकता के कारण मर गया हो। उसने अपने दिन के कपड़े पहने हुए थे, हालांकि इस बात के भी संकेत दिख रहे थे कि ये काम उसने जल्दबाजी में किया था। ये बात हमें नौकर ने पहले ही बता दी थी कि वो रात को अपने बिस्तर पर ठीक ठाक सोया था और उसकी मौत सुबह में किसी वक्त हुई थी। होम्स जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर तनाव छा गया, आंखें चमकने लगीं, चेहरा लाल हो गया और पूरा शरीर जोश और उत्सुकता से कांपने लगा। एक तेज लोमड़ी की तरह वो बाहर लॉन में भागा, फिर खिड़की से वापस अंदर आया। कमरे में चारों तरफ भाग भाग कर न जाने क्या करने की कोशिश करता रहा। उसकी उत्तेजना मुझे साफ बता रही थी कि उसे कुछ मिल गया है। बड़ी ही फुर्ती के साथ वो ऊपर के कमरे में गया, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरा, खुली खिड़की से बाहर निकला और लॉन में मुंह के बल लेटकर गहरी सांसें लेने लगा। फिर अचानक उछला और एक बार फिर से कमरे में घुस गया। मेज पर रखे लैंप की उसने बड़ी ही बारीकी से जांच की, अपने लेंस से चिमनी के ऊपरी हिस्से को ढकने वाली शील्ड की भी जांच की और उसकी ऊपरी सतह पर से थोड़ी राख को कुरेद कर एक लिफाफे में डाल दिया और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। अंत में जैसे ही डॉक्टर और ऑफिशियल पुलिस वहां पहुंचे, उसने पादरी को इशारा किया और हम तीनों निकलकर बाहर लॉन में आ गए। होम्स ने कहा, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है मिस्टर राउंडे कि मेरी जांच पूरी तरह से बेकार नहीं रही है। मैं पुलिस के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर को मेरे बारे में बताएं और उसका ध्यान बेडरूम की खिड़की और बैठने के कमरे के लैंप की ओर दिलाएं तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही करीब करीब निर्णायक भी। अगर पुलिस को और जानकारी चाहिए तो मुझे उनसे बात करके खुशी होगी। और अब मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए वॉटसन। ये तो मैं नहीं जानता कि पुलिस को इस मामले में एक शौकिया जासूस की घुसपैठ पसंद आई या नहीं, या फिर उनको ये उम्मीद थी कि वो इस केस को खुद ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये बात निश्चित थी कि अगले दो दिनों तक उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। इस दौरान होम्स ने अपना कुछ समय घर में बैठकर सिगार फूंकने और सपने देखने में बिताया, लेकिन अधिकतर समय वो घर से बाहर ही रहा, अकेले ही कहीं चला गया और कई घंटों के बाद लौट कर आया। मेरे पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ गया था, लेकिन उसके एक एक्सपेरिमेंट ने मुझे थोड़ी रोशनी दिखाने का काम किया। उसने एक लैंप खरीदा था जो ट्रेजेडी की सुबह मॉर्टिमर ट्रेगनिस के कमरे में जल रहे लैंप का डुप्लीकेट था। उसने उसे उसी तेल से भर दिया जो कि चर्च में इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसे जलाकर उसने बड़े ही ध्यान से उस समय को नोट किया जो तेल को खत्म होने में लगा था। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट भी उसने किया। वो एक्सपेरिमेंट इतना वाहियात, अजीब और जानलेवा टाइप का था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोपहर के समय में उसने मुझसे कहा, तुम्हें याद ही होगा वॉटसन कि दोनों अलग अलग घटनाओं में एक कॉमन पॉइंट है और वो है हरेक मामले में कमरे के माहौल का उन लोगों के ऊपर पड़ा असर जिन्होंने ट्रेजेडी के बाद सबसे पहले कमरे में प्रवेश किया था। तुम्हें याद होगा कि मॉर्टिमर ट्रेगनिस ने अपने भाई के घर की घटना के बारे में बताते हुए कहा था कि डॉक्टर कमरे में दाखिल होते ही एक कुर्सी पर गिर गया था, और ये भी कि हाउसकीपर मिसेस पोर्टर ने हमें बताया था कि वो खुद कमरे में घुसते ही बेहोश हो गई थी और बाद में होश में आने पर उसने खिड़की खोली थी। दूसरे मामले में, यानी मॉर्टिमर ट्रेगनिस वाले मामले में, जब हम उसके कमरे में पहुंचे तो वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, हालांकि नौकर ने पहले ही खिड़की खोल दी थी। पूछताछ करने पर मैंने पाया कि वो नौकर भी काफी बीमार हो गया था। अब ये तो तुम भी मानोगे वॉटसन कि ये सारी बातें बहुत ही महत्व की हैं और हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। हर मामले में जहरीले माहौल का पक्का सबूत है और साथ ही हर मामले में कमरे में कोई चीज जल भी रही थी।
एक मामले में ये आग थी और दूसरे में था लैंप। आग की तो चलो वहां जरूरत थी, लेकिन लैंप को दिन का उजाला होने के काफी समय बाद जलाया गया था, जैसा कि खपत हुए तेल की तुलना से मुझे पता चला था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया था। निश्चित रूप से इन तीन चीजों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है वॉटसन। किसी चीज का जलना, हवा का भारीपन और वातावरण, और अंत में उन बदनसीब लोगों का पागल हो जाना या मौत हो जाना। ये सारी बातें तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ गई ना? हाँ, लगता तो है, मैंने कहा। तो फिर ठीक है वॉटसन, कम से कम हम इसे एक काम चलाऊ थ्योरी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दोनों ही मामलों में कोई ऐसी चीज जलाई गई थी जिससे एक अजीब सा जहरीला असर पैदा करने वाला वातावरण बन गया। पहले एग्जाम्पल में, यानी ट्रेगनिस परिवार वाले केस में, इस पदार्थ को आग में डाला गया था। अब खिड़की तो बंद थी, लेकिन यह स्वाभाविक था कि फायरप्लेस का कुछ धुआं चिमनी से जरूर बाहर गया होगा, इसीलिए जहर का असर थोड़ा कम हो गया, और इसीलिए औरत जो शायद ज्यादा संवेदनशील थी उसकी मौत हो गई, लेकिन बाकी दोनों सिर्फ पागल होकर रह गए। ये स्पष्ट रूप से दवा का पहला असर है। दूसरे मामले में नतीजा कंप्लीट था, इसलिए तथ्य यही कहते हैं कि ये कोई ऐसा जहर था जो जलाए जाने पर अपना काम करता है। उसी के कुछ अवशेषों को खोजने के लिए मैंने मॉर्टिमर के कमरे में ढूंढा था। देखने के लिए सबसे अच्छी जगह थी लैंप के कांच का कवर। वहां मुझे कई परतों वाली राख नजर आई। उसके किनारों के चारों तरफ भूरे रंग के पाउडर का एक बॉर्डर सा बना हुआ था। उसमें से आधा मैंने ले लिया और मैंने उसे इस लिफाफे में रख लिया था। लेकिन आधा क्यों होम्स, मैंने पूछा। माय डियर वॉटसन, आधा मैंने पुलिस के लिए छोड़ा है। जो सबूत मुझे मिले हैं वो उनको भी तो मिलने चाहिए। वो बाकी का आधा जहर अभी भी उसी कांच पर है, अगर उनके पास उसे ढूंढने की अक्ल हो तो। और अब वॉटसन, हमें जो करना है वो है अपने शक की पुष्टि। तो उसके लिए हम अपना लैंप जलाएंगे और इस पाउडर की जांच करेंगे। हालांकि समाज के हमारे जैसे दो काबिल लोगों को अकाल मौत से बचाने के लिए हम अपनी खिड़की को खुला रखने की सावधानी जरूर बरतेंगे। तुम उस खुली खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठोगे और मैं अपनी कुर्सी ठीक तुम्हारे सामने रखूंगा, ताकि हम आमने सामने रहें और जहर से एक बराबर दूरी पर रहें। दरवाजा हम खुला छोड़ देंगे। इस तरह हर पल हम दोनों एक दूसरे को देखने की स्थिति में रहेंगे, और जैसे ही हमें कोई खतरनाक लक्षण दिखाई देंगे हम अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर देंगे। तो अब मैं लिफाफे से अपना पाउडर लेता हूँ और इसे जलते हुए लैंप के ऊपर डाल देता हूँ। अब माय डियर वॉटसन, आओ बैठते हैं और घटनाओं के घटने का इंतजार करते हैं। एक्सपेरिमेंट का नतीजा आने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक अजीब सी गंध और मिथली के प्रति सचेत होने से पहले ही मेरा दिमाग और मेरी कल्पना सब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने एक घना काला बादल घूम रहा था और मेरा दिमाग मुझे बता रहा था कि इस बादल में जो कुछ छिपा हुआ है वो बहुत ही भयानक है, राक्षसी और दुष्ट। दानवों जैसे आकार के न जाने कितने ब्रह्मांड मुझे नजर आने लगे। अस्पष्ट आकार, घूमते और तैरते काले बादलों के बीच एक अनजान सा खतरा और किसी के आने की चेतावनी। फिर कमरे की दहलीज पर प्रेतात्मा जैसी किसी आकृति का आना जिसकी छाया मेरी आत्मा तक को निगल जाएगी। एक अजीब से आतंक ने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया। मुझे लगा कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं, मेरी आंखें बाहर निकल रही हैं, मेरा मुंह खुल गया है और मेरी जीभ चमड़े की तरह हो गई है। मैंने चीखने की कोशिश की और मुझे एक कर्कश सी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई, जो थी तो मेरी अपनी आवाज़ लेकिन नॉर्मल आवाज़ से बहुत ही अलग थी। उसी पल बचने के प्रयास में पता नहीं कैसे मैं कुछ पल के लिए निराशा के उस बादल से बाहर निकल आया, और उसी में मुझे होम्स के चेहरे की एक झलक दिखाई दी। वो एकदम सफ़ेद, कठोर और भयानक हो चुका था, ठीक वैसा ही जैसा दोनों मरे हुए लोगों का हुआ था। उस दृश्य को देखकर एक ही पल में न जाने कहाँ से मेरे अंदर इतना विवेक और शक्ति जागृत हो गए कि मैं अपनी कुर्सी से उठा। अपनी बाहों को होम्स के चारों ओर लपेटकर उसे एक तरह से घसीटते हुए मैं दरवाजे से बाहर निकल गया, और एक पल बाद ही हम दोनों सामने के मैदान की घास पर पड़े हुए तेज तेज सांसें ले रहे थे। हमारे ऊपर पड़ती तेज धूप के कारण आतंक के वो नारकीय बादल धीरे धीरे छंटने लगे जिन्होंने हमें घेर लिया था। कुछ ही देर में हमारे दिलो दिमाग पर छाया धुंध का पर्दा पूरी तरह से उठ गया और हमारी सोचने समझने की शक्ति वापस लौट आई।
हम घास पर बैठे अपने चिपचिपे माथों को पोंछ रहे थे और एक दूसरे को आशंका भरी नजरों से देख रहे थे। उस भयानक अनुभव के आखिरी निशानों को देखते हुए जिसे हमने अभी अभी जिया था, होम्स ने बड़े ही अस्थिर स्वर में धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना वॉटसन, मैं तुम्हारा धन्यवाद भी देता हूँ और तुमसे माफी भी चाहता हूँ। मेरे खुद के लिए भी ये एक बड़ा ही गलत एक्सपेरिमेंट था और एक दोस्त के लिए तो ये दुगना अनुचित था। मुझे सच में बहुत ही अफसोस है, मैंने भावुक स्वर में उत्तर दिया। पता है होम्स, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद और सौभाग्य होता है हमेशा। मैं जानता हूँ वॉटसन, लेकिन इतना जंगली एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा तो सोच लेना चाहिए था। कोई भी समझदार आदमी हमारी इस हरकत को देखकर यही कहेगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े गधे और पागल हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जहर का प्रभाव इतनी तेजी से होगा और इतना गंभीर होगा। होम्स के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी रो पड़ेगा। उसके चेहरे पर छाई मायूसी को कम करने और माहौल को हल्का बनाने के लिए मुझे मजाक सूझा। मैंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, अरे क्या तुम भी होम्स, अगर कोई हमें गधा और पागल कहेगा तो हम उसे बता देंगे कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा तो दिमाग खराब है। मेरी बात सुनकर होम्स जोर से हंस पड़ा, फिर उठकर कॉटेज में गया और जलते हुए लैंप को अपने आप से भरसक दूर रखते हुए बाहर लाकर उसने उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने कहा, हमें कमरे की हवा से इसका असर कम होने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और मेरे ख्याल से वॉटसन अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेजेडीज कैसे हुई, लेकिन क्यों हुई ये बात अभी भी पहले की तरह ही अंधेरे में है। आओ यहाँ छाया में बैठकर इस पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि सारे सबूत इसी एक आदमी की तरफ इशारा करते हैं, यानी मॉर्टिमर ट्रेगनिस की तरफ। पहली ट्रेजेडी में वो अपराधी था और दूसरे में वो पीड़ित था। हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि ये पारिवारिक झगड़े की कोई कहानी है जिसमें बाद में सुलह हो जाती है। वो झगड़ा कितना कड़वा रहा होगा या जो सुलह हुई वो कितनी खोखली रही होगी, ये हम नहीं कह सकते। जब मैं मॉर्टिमर ट्रेगनिस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे साफ समझ में आता है वॉटसन कि लोमड़ी जैसे चेहरे और छोटी चतुर मनमोहक आंखों वाला वो आदमी ऐसा कतई नहीं था जो जल्दी से किसी को माफ कर देता हो। तुम्हें याद होगा कि किसी के बगीचे में दिखाई देने की वो बात जिसने ट्रेजेडी के असली कारण से एक पल के लिए हमारा ध्यान हटा दिया था, असल में उसी ने कही थी। तो अब हम समझ सकते हैं कि वो सिर्फ उसने हमें अपने उद्देश्य से भटकाने के लिए कही थी। जरा ये सोचो कि अगर उसने कमरे से बाहर निकलते समय जहर को आग में नहीं डाला तो ऐसा किसने किया होगा। उसके जाने के तुरंत बाद ही तो सारा कांड हुआ था। अगर कोई और अंदर आया होता तो परिवार के लोग निश्चित रूप से मेज से उठे होते। वैसे भी इस शांतिपूर्ण गांव में रात को 10 बजे के बाद लोग किसी के घर आते जाते नहीं हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सारे सबूत मॉर्टिमर ट्रेगनिस को ही अपराधी के रूप में इंगित करते हैं। तो उसकी खुद की मौत क्या आत्महत्या थी, मैंने पूछा। ऐसा होना असंभव तो नहीं है वॉटसन। अगर किसी आदमी को अपने परिवार के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए अपनी आत्मा पर कोई बोझ महसूस हो रहा हो तो वो पछतावे की भावना के कारण ऐसा कर सकता है। हालांकि इस केस में इस बात के खिलाफ कुछ ठोस कारण हैं। सौभाग्य से इंग्लैंड में एक ऐसा आदमी है जो इसके बारे में सब कुछ जानता है, और मैंने ऐसा इंतजाम किया है जिससे आज दोपहर को हम उसके अपने मुँह से सारी बातों को सुनेंगे। अरे लो, वो तो समय से पहले ही आ गया है। आप प्लीज इस तरफ आ जाइए डॉक्टर लियोन स्टर्नडेल, हम घर के अंदर एक केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके कारण हमारा छोटा सा कमरा फिलहाल इतने खास मेहमान के स्वागत के लायक नहीं है। मैंने बगीचे के दरवाजे पर आहट सुनी और फिर महान अफ्रीकी खोजकर्ता की आकृति मुझे आती दिखाई दी। वो कुछ हैरानी से उस मेहराब की तरफ मुड़ गया जिसमें हम बैठे हुए थे। आपने मुझे बुलवाया मिस्टर होम्स? मुझे आपका नोट करीब एक घंटे पहले मिला और मैं आ गया हूँ। हालांकि मैं वाकई नहीं जानता कि मुझे आपके आदेश का पालन क्यों करना चाहिए था, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। आप यहाँ आए उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। घुमा फिरा कर बात करना मेरी आदत नहीं है, इसलिए सीधे मतलब की बात पर आता हूँ। जिन मामलों पर हमें बात करनी है वो शायद आपको काफ़ी गहराई से प्रभावित करेंगे, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। डॉक्टर ने मेरे दोस्त की तरफ गौर से देखते हुए कहा, आपको ऐसा क्या कहना है जो मुझे बहुत ही गहराई से प्रभावित करेगा? मॉर्टिमर ट्रेगनिस की हत्या,
होम्स ने कड़े स्वर में कहा। यह सुनते ही स्टर्नडेल का भयंकर चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें चमकने लगी और माथे पर आवेशपूर्ण नसें उभरने लगीं। वो मुट्ठियां बांधे मेरे दोस्त की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया और गुर्राते हुए बोला, मैं इतने लंबे समय तक जंगलों में दुनिया के हर कायदे कानून से परे रहा हूं कि मैं खुद ही कानून बनने के रास्ते पर पहुंच चुका हूं। और अच्छा यही होगा मिस्टर होम्स कि आप इस बात को याद रखें, क्योंकि मुझे आपको चोट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है, होम्स ने उससे भी तीखे स्वर में कहा। और ना ही मेरी कोई इच्छा है कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं डॉक्टर स्टर्नडेल। निश्चय ही इसका सबसे साफ प्रमाण यह है कि जो कुछ मैं जानता हूं उसे जानने के बाद मैंने आपको बुलवाया है, पुलिस को नहीं। डॉक्टर स्टर्नडेल हांफते हुए कुर्सी पर बैठ गए, शायद अपने एडवेंचरस जीवन में पहली बार। होम्स के बोलने के स्टाइल में धमकी भी थी और आश्वासन भी। डॉक्टर ने बेचैनी से हाथ मलते हुए थोड़ा हकलाते हुए कहा, आपका मतलब क्या है? अगर ये आपकी तरफ से कोई झांसा है मिस्टर होम्स, तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक गलत आदमी को चुन लिया है। सीधे सीधे बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको सारी बात बताता हूँ डॉक्टर, और उम्मीद करता हूँ कि साफ बात करने से बात साफ होगी। मेरा अगला कदम क्या हो सकता है ये पूरी तरह से आपके अपने बचाव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। मेरा बचाव? मेरा बचाव किस से? मॉर्टिमर ट्रेगनेस की हत्या के आरोप से। स्टर्नडेल ने रुमाल से अपने माथे पर से पसीना पोंछा। क्या आपने जासूसी दुनिया में अपने सारे केस ऐसे ही लोगों को झांसा देकर सॉल्व किए हैं? होम्स ने सख्ती से जवाब दिया, धोखा आपकी तरफ से है डॉक्टर लियोन स्टर्नडेल, मेरी तरफ से नहीं। सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर मेरे नतीजे आधारित हैं। आपके अधिकतर सामान को अफ्रीका भेज दिए जाने के बाद प्लाईमाउथ से आपकी वापसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि इसी बात से मुझे पहले पहल समझ में आया था कि आप इस नाटक के मेन कैरेक्टर्स में से एक हैं। अरे मैं तो इसलिए वापस आया था कि, होम्स ने उसकी बात काट दी, मैंने आपके कारणों को सुना है और वो पर्याप्त नहीं है। आप मुझसे पूछने के लिए यहाँ आए थे कि मुझे किस पर शक है, मैंने आपको जवाब देने से इनकार कर दिया था। फिर आप चर्च में गए, उसके बाहर कुछ देर आपने इंतजार किया और फिर आप अपने कॉटेज में लौट गए। ये बात आपको कैसे पता मिस्टर होम्स? क्योंकि मैंने आपका पीछा किया था। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा अपना पीछा करते। जब मैं किसी का पीछा करता हूँ ना डॉक्टर, तो उसके फरिश्तों को भी इस बात का पता नहीं चल सकता। आगे सुनिए, आपने अपने कॉटेज में एक बेचैन रात बिताई और साथ ही कुछ योजनाएं भी बनाई जिनको आप सुबह सुबह अमल में लाने के लिए आगे बढ़े। आपने अपनी जेब में थोड़ी लाल रंग की बजरी भरी जो आपके गेट के पास पड़ी थी, फिर आप तेजी से चलते हुए चर्च से काफी दूर चले गए। आपने उस वक्त वही रिब्ड टेनिस जूते पहने हुए थे जो इस समय आपके पैरों में है। चर्च में आप बगीचे और क्यारियों से होकर गुजरे जो कि ट्रेगनिस के कमरे की खिड़की के नीचे थे। दिन का उजाला हो चुका था लेकिन घर में अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही थी। आपने अपनी जेब से थोड़ी बजरी निकाली और उसे अपने ऊपर की खिड़की पर फेंक दिया। डॉक्टर गुस्से में गुर्राया, आप कितने बड़े शैतान हैं मिस्टर होम्स। होम्स अपने इस तारीफ पर मुस्कुराया और बोलता गया, दो या शायद तीन मुट्ठी बजरी फेंकने के बाद मॉर्टिमर खिड़की पर आया। आपने उसे नीचे आने के लिए कहा, उसने जल्दी जल्दी दिन के कपड़े पहने और अपने बैठने के कमरे में आ गया। आपने खिड़की से अंदर प्रवेश किया। ये एक छोटी सी मुलाकात थी जिसके दौरान आप कमरे में चहलकदमी करते रहे, फिर आप बाहर निकले और आपने खिड़की बंद कर दी। बाहर लॉन में सिगार पीते हुए आप देखते रहे कि क्या होता है। अंत में ट्रेगनिस की मौत के बाद आप वैसे ही वापस चले गए जैसे वहां गए थे। अब डॉक्टर स्टर्नडेल, इस तरह के आचरण को आप कैसे सही ठहराते हैं और आपकी इन हरकतों के पीछे क्या उद्देश्य था, ये सब आप खुद मुझे बताएंगे। अगर आप मेरे साथ धोखा करते हैं या झूठ बोलते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि केस हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगा। होम्स के इन शब्दों को सुनते ही डॉक्टर का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ देर सोच में बैठा रहा, फिर अचानक उसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और हमारे सामने फेंक दी। इसके लिए किया है मैंने ये सब। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिख रहा था। ये ब्रेंडा ट्रेगनिस थी, डॉक्टर ने कहना शुरू किया। डॉक्टर ने बड़े ही भावुक स्वर में कहा, मैंने सालों से उससे प्यार किया था, सालों से उसने मुझसे प्यार किया था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी एक पत्नी है जो सालों पहले मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के वाहियात कानूनों की वजह से मैं उसे तलाक नहीं दे सकता।
सालों तक ब्रेंडा ने मेरा इंतजार किया, सालों तक मैंने उसका इंतजार किया। पादरी भी ये बात जानता था, हमने उसे भरोसे में लिया हुआ था। वो आपको बताएगा कि वो धरती पर एक फरिश्ते की तरह थी। पादरी ने ही मुझे टेलीग्राम करके ये खबर दी और मैं तुरंत लौट आया। मेरी प्यारी ब्रेंडा के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद मेरा सामान या अफ्रीका मेरे लिए भला क्या मायने रख सकते थे। इतना कहकर डॉक्टर ने अपनी जेब से एक कागज का पैकेट निकाला। उसने उसे मेरी तरफ धकेल दिया और कहा, मेरे ख्याल से आप एक डॉक्टर हैं मिस्टर वॉटसन, क्या आपने कभी इस प्रिपरेशन के बारे में सुना है? डेविल्स फुट? जी नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मैंने कहा। जानता हूँ, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है डॉक्टर वॉटसन, क्योंकि मेरा मानना है कि बूढ़ा में एक लैब में मौजूद एक नमूने को छोड़कर पूरे यूरोप में इसका और कोई दूसरा सैंपल नहीं है। ये अभी तक जहर विज्ञान के साहित्य में अपना रास्ता नहीं खोज पाया है। जड़ की आकार का एक पैर जो आधा इंसान आधा बकरी जैसा होता है, इसीलिए एक वनस्पति मिशनरी ने इसे ये काल्पनिक नाम दिया है, द डेविल्स फुट। पश्चिमी अफ्रीका के कुछ जिलों में वैज्ञानिकों द्वारा एक कॉम्प्लेक्स जहर के रूप में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इसे उनके बीच एक रहस्य की तरह रखा जाता है। ये वाला खास सैंपल मैंने उबांगी देश में बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में प्राप्त किया था, होम्स ने सख्ती से कहा। बोलते रहिए डॉक्टर, मैं आपको वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ मिस्टर होम्स जो असल में हुआ था। क्योंकि आप पहले से ही इतना सब कुछ जानते हैं तो स्पष्ट रूप से ये मेरे हित में है कि आपको पूरी बात पता हो। ट्रेगनिस परिवार के साथ अपने संबंध के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहन की खातिर ही मैं भाइयों के साथ दोस्ती रखता था। उनके बीच पैसे को लेकर एक पारिवारिक झगड़ा चल रहा था जिसके कारण मॉर्टिमर बाकी लोगों से अलग हो गया था, लेकिन मुझे लगता था कि उन लोगों को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं उससे मिला, लेकिन वो एक बड़ा ही धूर्त और षड्यंत्रकारी दिमाग वाला आदमी था। इस बीच कई ऐसी बातें हुई जिनसे मुझे उसके ऊपर संदेह हुआ, लेकिन मेरे पास कोई पॉजिटिव सबूत नहीं था। कुछ हफ्ते पहले एक दिन वो मेरे कॉटेज में आया और मैंने उसे अपनी कुछ इंटरेस्टिंग अफ्रीकी चीज़ें दिखाई। उन्हीं चीज़ों में ये पाउडर भी था। मैंने उसे इसके अजीब गुणों के बारे में बताया कि ये कैसे दिमाग के उन केंद्रों को उत्तेजित कर देता है जो डर की भावना को कंट्रोल करते हैं, और किस तरह से ये इंसान को पागलपन या मौत तक पहुँचा सकता है। मुझसे विदा लेने से पहले उसने इसमें से थोड़ा सा पाउडर कब और कैसे चुराया ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पूरा टाइम कमरे में ही मौजूद था। लेकिन इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि जब मैं अलमारियां खोल रहा था और बक्सों पर झुका हुआ था, उसी समय उसने ये काम किया होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह उसने मुझसे इसकी मात्रा और प्रभाव के लिए ज़रूरी समय के बारे में कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उस वक्त मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो व्यक्तिगत कारणों से ये सब कर रहा है। मैंने इसके बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक कि प्लाईमाउथ में पादरी का तार मेरे पास नहीं पहुंच गया। इस विलेन ने सोचा था कि ये खबर मेरे पास पहुंचने से पहले ही मैं समुद्र पर निकल चुका होऊंगा और फिर सालों तक अफ्रीका से वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुरंत वापस लौट आया। मौत कैसे हुई ये ब्यौरा सुनते ही मैं समझ गया कि मेरे जहर का इस्तेमाल किया गया था। उस मौके पर मैं आपसे मिलने के लिए इसलिए आया था कि शायद आपके पास कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन ये और कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मॉर्टिमर ही हत्यारा था। उसने पैसे के लिए और ये सोचकर कि अगर उसके परिवार के बाकी लोग पागल हो गए तो वो उन सब की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, उसने उनके ऊपर डेविल्स फुट का इस्तेमाल किया, दोनों भाइयों को पागल कर दिया और अपनी बहन ब्रेंडा को मार डाला, उस लड़की को जिससे मैंने टूट कर प्यार किया था। मॉर्टिमर ने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया था मिस्टर होम्स, तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए थी? क्या मुझे कानून के दरबार में अपील करनी चाहिए थी? लेकिन मेरे पास सबूत कहाँ थे? मैं जानता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, लेकिन क्या मैं जूरी को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने में सफल हो सकता था? हो भी सकता था और नहीं भी, लेकिन मैं असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही थी। मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था मिस्टर होम्स कि मैंने अपना अधिकतर जीवन कानून के दायरे से बाहर बिताया है, और आखिरकार मैंने खुद कानून बनने का फैसला कर लिया। मैंने निश्चय किया कि जो उसने दूसरों को दिया है वही उसे खुद को भी मिलना चाहिए। न्याय होगा और वो न्याय मैं करूंगा। इसके बाद जो हुआ वो आप जानते ही हैं। जैसा कि आपने कहा, एक बेचैन रात बिताने के बाद मैं सुबह ही अपनी कॉटेज से निकल गया। मुझे अनुमान था कि उसे जगाने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैंने उस ढेर से कुछ बजरी इकट्ठा की
और मैंने उसे उसकी खिड़की पर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया। उसने नीचे आकर मुझे बैठक की खिड़की से अंदर आने दिया। मैंने उसे बताया कि मैं सब जानता हूँ और मैं वहाँ फैसला करने आया हूँ, जज और जल्लाद दोनों बनकर। मेरी रिवॉल्वर और मेरे पक्के निश्चय को देखकर वो बुरी तरह डर गया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसे लकवा मार गया हो। मैंने लैंप जलाया, उसके ऊपर पाउडर डाला और खिड़की के बाहर खड़ा हो गया, ताकि अगर वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे वहीं गोली मार दूं। लेकिन उसने ऐसी कोशिश नहीं की। 5 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई। बस यही मेरी कहानी है मिस्टर होम्स। अगर आप किसी औरत से प्यार करते तो शायद आपने भी वही किया होता। खैर, जो भी हो, मैं आपके सामने हूँ। आप जो कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं। होम्स कुछ देर चुप बैठा रहा। अंत में उसने पूछा, इसके बाद आपका क्या करने का प्लान था? मैंने इसके बाद अफ्रीका जाने का इरादा बनाया था। वहाँ मेरा काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो ठीक है, जाइए और अपना अधूरा काम पूरा कीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगा और ना ही किसी और को रोकने दूंगा। डॉक्टर स्टर्नडेल बिना कुछ बोले उठे और बाहर चले गए। होम्स ने अपना पाइप जलाया और कहा, मुझे लगता है कि ये बात तुम भी मानोगे वॉटसन, कि ये ऐसा केस नहीं है जिसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारी जांच स्वतंत्र रही है और हमारी कार्रवाई भी वैसी ही होगी। तुम इस केस के बारे में ना तो कभी लिखोगे और ना ही किसी को कुछ कहोगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक होम्स, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कहा। बढ़िया, तो अब माय डियर वॉटसन, मुझे लगता है कि अब हम इस मामले को अपने दिमाग से खारिज कर सकते हैं और आराम से अपने कमरे में बैठकर पाइप पी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।